गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आपका वक्त भी बहुत लिमिटेड है और मुझे भी आधे घंटे में आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, तो इसी बीच आपकी सारी समस्याओं का समाधान देना है। शुरुआत करते हैं आज के शो की। नौकरी की तलाश में है तो 26 शब्दों का महामंत्र आपकी नौकरी का संकट दूर करेगा। महामंत्र और उसके जाप की विधि जानिए। अगर परिवार या आपकी इज्जत में कमी आ रही है तो घर के ड्राइंग रूम का वास्तु दोष दूर कीजिए। आपके रिश्तेदार खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बाजार में मिलने वाला 10 रुपए का सेंधा नमक आपके चेहरे को निखारेगा। ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए खर्च होने से बचेंगे। यूं तो शहद अमृत है, लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो जहर भी बन सकता है। शहद को जहर बनने से बचाएं। शादी के बाद पूछे जाने वाले 5 सवाल आपको कर सकते हैं परेशान। उन सवालों के जवाब खोज लीजिएगा। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो एक मंत्र है ओम वर वरदाय सर्व। ये पूरा मंत्र नहीं है, पूरा मंत्र आगे बताने वाली हूँ। आपको कैसे इस महामंत्र का जाप करना है ये भी बताऊंगी। नौकरी की समस्या दूर हो जाएगी। करते हैं इस बारे में बात करेंगे। अभी जानिए पहला महा उपाय। अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो 1 लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदिया, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी और 6 कौड़ी लपेट कर नदी के पास छोड़ाइए और देखिए माँ की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। आपका मकान जल्द बनेगा। क्या आप शहद को गरम कर लेते हैं या गरम गरम चाय और दूध में मिलाकर पीते हैं? तो शहद शहद नहीं रहेगा, जहर बन जाएगा। इस जहर से मुझे आपको बताना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। लेकिन इससे पहले नौकरी वाले लोगों के लिए खास महामंत्र। नौकरी की तलाश में ये मंत्र जपे और करेंगे उपाय। आज के समय में जॉबलेसनेस बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। चाहते हैं तो सभी हैं कि उन्हें उनकी मनचाही नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा होना संभव कहाँ है, क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा इच्छाएं। कई लोग नौकरी की तलाश में भटकते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका सपना अधूरा रह जाता है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको बताते हैं खास उपाय, जिससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी हो जाएगा। और आपको कैसे करना है ये उपाय ध्यान से सुनिए। किसी शुभ मुहूर्त के दिन सुबह जल्दी उठकर क्या करें? आप ये प्रयोग करें, सुबह नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर ईस्ट डायरेक्शन में चेहरा करकर कुश के आसन पर बैठें। कुश का आसन ना हो तो ऊन यानी कि ऊन की भी किसी चीज पर बैठ सकते हैं। आप इस आसन को भी उपयोग में ला सकते हैं। अपने सामने डायरेक्शन में चेहरा करकर कुश के आसन पर बैठें। कुश का आसन ना हो तो ऊन यानी कि ऊन की भी किसी चीज पर बैठ सकते हैं। आप इस आसन को भी उपयोग में ला सकते हैं। अपने सामने एक छोटा सा पटिया यानी कि वो चौकी रखनी है, उस पर सफेद कपड़ा बिछाना है, उस पर चावल की ढेरी बनाकर गायत्री यंत्र स्थापित करना है। अब 7 गोमती चक्र हल्दी से कलर कर आपको उसको स्थापित करना है। धूप दीप रुद्राक्ष की माला आपको उस पर अर्पित करनी है। फिर इस मंत्र का 11 माला का जाप करना है। जाप समाप्त होने पर आपको किसी भी मिल्क प्रोडक्ट का प्रसाद बच्चों को बांटना है, जैसे बर्फी ले सकते हैं। जाप क्या है ये मंत्र लिखिए। मंत्र है ओम वर वरदाय सर्व कार्य सिद्धि करी करी ओम नमः। अब ये जो पूजा की सामग्री है इसको सफेद कपड़े में लपेट कर आप किसी पॉन्ड के आसपास, किसी वाटर बॉडी के आसपास छोड़ आए। कुछ ना मिले तो पीपल के पेड़ के आसपास के एरिया में ये सारा सामान डाल दे, चींटियों के काम आ जाएगा। इसके बाद वापस आकर नहा धो ले। आप क्या देखेंगे कि एक ही महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब मनचाही जगह पर लग जाएगी। अगर आपकी और आपके परिवार की इज्जत खराब हो रही है तो हो सकता है आपके ड्राइंग रूम में वास्तु दोष हो।
क्या आपकी ड्राइंग रूम में डार्क कलर्स का इस्तेमाल हुआ है? क्या ड्राइंग रूम में एक्वेरियम रखा है? ऐसे कई दोषों के बारे में आगे बताएंगे। पहले जानिए शहद कब बनता है जहर। बात करते हैं शहद को जहर में ना बनने देने की। हनी को कभी भी गर्म चीजों में डालकर नहीं खाना चाहिए या गर्म करके नहीं खाना चाहिए। कभी भी चाय कॉफी में शक्कर की जगह पर शहद का प्रयोग ना करें, ये नुकसान पहुंचाता है। हालांकि खट्टे फल अंगूर अमरूद या गन्ने के साथ शहद जो है वो फायदा देता है। शहद को आंच पर यानी कि फ्लेम पर कभी नहीं पकाना चाहिए। मांस मच्छी यानी कि फिश के साथ शहद जो है वो जहर का काम करता है। शहद में घी या दूध बराबर क्वांटिटी में मिलाकर लेना हानिकारक होता है। चीनी के साथ अगर आप शहद मिलाते हैं तो समझिए आप अमृत में जहर मिला रहे हैं। एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में शहद ना लें, ऐसा करना नुकसानदायक होता है। शहद दिन में 2 या 3 बार 1 चम्मच लें। तेल या मक्खन बटर में शहद जहर बन जाता है। बाजार में मिलने वाला 10 रुपए का सेंधा नमक आपके चेहरे में चमक पैदा कर सकता है। चेहरे पर निखार दिखेगा। आपको सेंधा नमक को कैसे इस्तेमाल करना है ये तो मैं ही बताऊंगी, पर आगे अभी ड्राइंग रूम का खास वास्तु जो कि आपकी इज्जत बढ़ाएगा। ड्राइंग रूम के वास्तु से आप अपनी इज्जत अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं। ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में जहाँ पर भी मेहमान आते हैं ये एक लिविंग एरिया माना जाता है, जहाँ पे सोशल स्पेस की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। समाज में आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाने में ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग रूम में आपके आपके परिवार के आपके स्टेटस की पहचान होती है, इसलिए ड्राइंग रूम की सजावट और फर्नीचर पर वास्तु के नियमों के हिसाब से ध्यान दीजिए, जिससे आपकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े। ड्राइंग रूम मेहमानों की आवभगत के लिए बनाया जाता है और मेहमान अतिथि देव स्वरूप माने जाते हैं। वास्तु के हिसाब से ड्राइंग रूम की जो परफेक्ट सिचुएशन है वो है, लोकेशन है वो है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा माना जाता है। ड्राइंग रूम भूल कर भी कभी साउथ वेस्ट में ना बनाएं, नहीं तो आपके मेहमान जाएंगे ही नहीं, बैठे ही रह जाएंगे। घर का जो हेड है उसको बैठते समय अपना चेहरा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ करके बैठना चाहिए और मेहमानों का चेहरा साउथ या वेस्ट में होता है तो अच्छा रहता है। जिसका चेहरा नॉर्थ या ईस्ट में होगा वो तो मेहमानों पर इम्पैक्ट डाल ही देगा ना। आपको रेगुलर सोफा यूज करना चाहिए, जहाँ तक हो सके एल शेप सोफा कभी नहीं बनवाए। जो सेंटर टेबल है वो राउंड स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही अच्छी होती है। ड्राइंग रूम में आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, शीशा नहीं लगाना चाहिए, इससे बिना कारण के कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाती है और अननेसेसरी चिक-चिक लगी रहती है। अगर घर में कहीं भी मंदिर बनाने की जगह ना हो तो ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट कोने में मंदिर बना सकते हैं, पर फिर उस ड्राइंग रूम में नॉनवेज और अल्कोहल सर्व नहीं होगा। गणेश जी की, भगवान शिव की और भगवानों की मूर्तियों को शोपीस बनाकर ड्राइंग रूम में बिल्कुल ना सजाएं। भगवान शोपीस नहीं है, उन्हें पूजा घर में ही रखें। हाँ, लेकिन आप अपनी फैमिली की हंसती मुस्कुराती हुई फोटो ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, जिससे हैप्पी फैमिली का इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर पड़े। ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट में जल तत्व स्ट्रॉन्ग रखिए। यहाँ पर आप फाउंटेन लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम रख सकते हैं, जिससे लोग आएं और आपको किसी की भी नजर ना लगे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट जरूर कर लीजिए ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में हवा से बजने वाली घंटी यानी कि विंड चाइम्स, हस्ती व बुद्धा ये चीजें रखें। आवाज दिमाग को रेगुलेट करती है। मीठी ध्वनि यानी कि नेचुरल विंड चाइम की आवाज माइंड को पॉजिटिव करती है, और लाफिंग बुद्धा बैठे भी होनी चाहिए, तभी वो खुशी फैलाते हैं। और ड्राइंग रूम में फूलों की पेंटिंग्स लगाइए, नेचुरल सीनरी लगाइए, ताकि लोग आपको नेचुरली पसंद करने लगे। ड्राइंग रूम में आप बैम्बू प्लांट मनी प्लांट लगा सकते हैं। ईस्ट में, ईस्ट में क्यों लगाते हैं? सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से निकलता है ना, तो ईस्ट में जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, पौधों को एनर्जी मिलती है, साथ साथ हरियाली फैलती है, इसीलिए ईस्ट में हरे पौधे रखने चाहिए।
ड्राइंग रूम की दीवारों के रंग बहुत गहरे नहीं होने चाहिए, जहाँ तक हो सके लाइट पीचिश, येलोइश, क्रीम, स्लाइट गोल्डन, बिल्कुल बेज, नेचुरल रंग इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रंग समृद्धि के रंग हैं और आपकी लाइफ में समृद्धि लाते हैं। ड्राइंग रूम में आधी मूर्ति, कटा हुआ घोड़े का चेहरा, कटा हुआ इंसान, ये खाली बॉडी या खाली फेस वाली चीजें नहीं रखें। इससे घर की फीमेल्स का हेल्थ खराब हो जाता है। ड्राइंग रूम में शाम के समय लाइट जरूर ऑन करें, चाहे थोड़े समय के लिए करें, सनसेट के समय करें। ड्राइंग रूम में दिन में एक या दो बार चक्कर जरूर काटें, इससे लोगों से आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं और सभी सदस्य एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। शादी के बाद वो कौन से 5 सवाल हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, ये बात आगे करेंगे। साथ ही सेंधा नमक की ब्यूटी टिप्स भी बताऊंगी। पहले राशियों की बात। मेष राशि के लोग एरियंस, आप लोगों को बाल बिल्कुल कट नहीं करवाने हैं। सैटर्न वीक हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to 8:30 PM। लकी परसेंटेज 74%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, डॉग को रोटी खिलाएं, बिल्ली को दूध पिलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 11:15 AM। लकी परसेंटेज 62%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, लाल और गुलाबी रंग का कपड़ा पहनने से बचना है। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 6:05 PM। लकी परसेंटेज 55%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, परिवार में किसी से भी झगड़ा नहीं करें, बात बढ़ती चली जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:25 to 2:10 PM। लक साथ दे रहा है 52%। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे आज का दूसरा महा उपाय। हाई बीपी है तो 3 ग्राम मेथी दाना पाउडर सुबह शाम पानी के साथ लें। 15 दिनों के अंदर कितना फायदा होता है आपके सामने आ जाएगा, और जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो कुछ सवालों से बचने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे 5 सवाल जो आपकी शादी के बाद आपको फेस करने पड़ेंगे आगे बताने वाली हूँ। प्री वेडिंग ट्रेनिंग समझ लीजिए इसको, लेकिन पहले स्पेशल ब्यूटी टिप्स। मेल्स हो या फीमेल्स, सेंधा नमक इस्तेमाल करें और पाएं फ्लॉलेस बेदाग त्वचा। सेंधा नमक और शहद, सेंधा नमक को अगर शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन कैसे निखरी मिलेगी। ये नॉर्मल स्किन के लिए काफी सही रहता है। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा सेंधा नमक लें, उसमें कुछ ड्रॉप्स शहद की डालें, अच्छी तरह से इसको मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाएं, सूख जाने के बाद साफ पानी से धो दें। ऐसा करने से आपका चेहरा एकदम निखर जाएगा। इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं, जिससे बेटर रिजल्ट्स कुछ ही हफ्तों में दिखने लगेंगे। नींबू और सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं। नमक का स्क्रब, नींबू और सेंधा नमक को अच्छे से मिलाकर स्क्रब करें। इसे चेहरे के मुहासे, डेड स्किन, ब्लैक हेड्स और सारे व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। इसकी मदद से काफी आसानी से आपके सारे दाग धब्बे भी दूर होने लगते हैं। इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले सेंधा नमक लेना है, कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के मिलानी है, फिर इसके बाद अपने चेहरे पर लगाना है और गोलाई में घुमाकर इस स्क्रब का इस्तेमाल करना है। इसे 1 हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार यूज करना है। सेंधा नमक और बादाम का तेल कैसे इस्तेमाल करें? आप इसका स्क्रब बनाएं और ड्राई स्किन के लिए ये काफी फायदेमंद रहता है। इसके लिए बस सेंधा नमक के साथ में बादाम के तेल को मिलाकर पेस्ट बना लें। वैसे आप चाहें तो बादाम के तेल के अलावा आप इसमें ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं। अपने बल पर आगे बढ़ने वाली फीमेल्स से हमारी बातचीत जारी है। आज हम भोपाल की मंजू शर्मा से बात करेंगे। मंजू ने 500 रुपए में कारोबारी की शुरुआत की थी, जो करोड़ों का टर्नओवर अब दे रही है। आगे मंजू से बात करेंगे, पहले शादी के बाद पूछे जाने वाले सवालों की बात। शादी के बाद के खास सवाल, इन सिचुएशंस के लिए तैयार रहिए। सबसे पहला सवाल, खुशखबरी कब है, यानी कि गुड न्यूज कब मिल रही है,
ये सवाल आम तौर पे पूछा जाता है, घर वाले तो अलग, मेहमान बुजुर्ग फीमेल्स तो जरूर पूछती हैं, और यही नहीं शादी की एक हफ्ते बाद ही शुरू हो जाती हैं। इसलिए ये सवाल आपको झेलने पर मजबूर कर देता है। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ ही रहेंगे? ये सवाल अक्सर लड़की के दोस्त या करीबी लोग उनसे पूछते हैं, जिसका सवाल आप बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या एक्सप्रेस करें क्या ना करें। लड़की शादी के बाद अपने सास ससुर के साथ रहेगी या नहीं, ये एक सवाल निजी है, फिर भी लोग इसको पूछकर सामने वाले को एम्बैरस करते हैं। तीसरा, क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद है? शादी के बाद लड़की से अक्सर ये पूछा जाता है, क्या तुमको खाना बनाना पसंद है या नहीं? अगर वो कहती है हाँ, तो उसके हाथ में समझिए सारी भाग दौड़ आ जाती है और वो बेचारी सिर्फ किचन में ही रह जाती है। और अगर वो ना कहती है तो पूछे मत, उसको किस नजरों से देखा जाता है। तो बड़ी ही मैनिपुलेटिवली आपको इस सवाल को जवाब में बदलना पड़ेगा। चौथा सवाल, हनीमून पे कब और कहाँ जाना है? ये सवाल तो लोग शादी से पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं। अब भाग दौड़ के समय में कई बार लोग समय नहीं भी निकाल पाते या इसको डिले कर देते हैं, स्पेशली अगर दोनों लोग वर्किंग होते हैं। ऐसे में जब आप जवाब नहीं देते तो लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी इंटरनल जो मेंटालिटी है उस पर सवाल उठाते हैं। इसलिए आपको इस सवाल को भी बड़ा सोच समझकर जवाब देना होगा, क्योंकि कई बार आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते और एक मीडियोकर जगह पर जाना चाहते हैं और बाकी चीजों पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लोग आपको अजीब नजरों से भी देखते हैं। इसलिए आपको बहुत मैनिपुलेटिवली इसको हैंडल करना पड़ेगा। पांचवा सवाल जो वर्किंग लड़कियों के लिए पूछा जाता है, क्या तुम शादी के बाद भी जॉब करोगी? ये सवाल तो लगभग हर वर्किंग लड़की को उसके ससुराल वाले ही पूछ लेते हैं। ऐसे में आपको ईमानदारी से जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप अगर पहले झूठ बोलेंगी तो बाद में उसे निभाना पड़ेगा। सच बोलिए, अगर शादी के बाद काम करना है तो बोल के शादी कीजिए, झूठ नहीं बोलिए। वर्किंग वुमेन से आगे बढ़ने का गुण सीखना बाकी है, लेकिन पहले आगे की राशियों का हाल। सिंह राशि के लोग लियोज, आइसक्रीम खाने से बचें, तबीयत खराब हो सकती है, ठंडा आपके गले को नुकसान दे सकता है। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू आफ्टरनून 1 PM। लकी परसेंटेज 59%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी भी पार्टी में जाने से बचें, लकी टाइम इवनिंग 7 PM टू 8:25 PM। लकी परसेंटेज 61%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, गुस्से में कोई फैसला ना लें, पहले सोचें फिर करें। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM टू 9 AM। लकी परसेंटेज 52%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, शराब से दूर रहें, किसी के बहकावे में ना आएं। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 टू 11 AM। लकी परसेंटेज 60%। आज हम भोपाल के मंजू शर्मा से बात करेंगे। मंजू ने सिर्फ 500 रुपए से काम शुरू किया था, आज करोड़ों का बिजनेस है। उनकी कंपनी में 150 वर्कर्स हैं। मंजू, आप हमारे शो में आई, हमें बहुत खुशी है, आपका स्वागत है। मंजू ने अपने हाथ में पन्ना पहना हुआ है, देखिए। ज्योतिष और भगवान में मंजू आपकी कितनी आस्था है, आप हमारे दर्शकों को ये, आप हमारे शो में आई, हमें बहुत खुशी है, आपका स्वागत है। मंजू ने अपने हाथ में पन्ना पहना हुआ है, देखिए। ज्योतिष और भगवान में मंजू आपकी कितनी आस्था है, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। रत्न देखिए बहुत वैज्ञानिक हैं, ये आपके शरीर में किस चीज की कमी है उसकी और उसकी कमी की पूर्ति करते हैं वैज्ञानिक ढंग से, क्योंकि इनसे किरणें जो जाती हैं सूर्य की किरणों के द्वारा और आपके रक्त से, जो आपकी स्किन से ये रत्न टच होते हैं और इनके द्वारा जो आपको ऊर्जा मिलती है आपकी कमियों को ये दूर करते हैं। क्योंकि देखिए शरीर में कफ वात पित्त तीनों चीजें हैं और ज्योतिष भी आयुर्वेद भी योग भी इस चीज को मानता है और ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि रत्नों के माध्यम से भी चिकित्सा की जा सकती है और ये चिकित्सा के क्षेत्र में ही इनको अपनाते हैं, वो चाहे मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग। मंजू, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी पर अपना प्रोफाइल भेजें, अपनी डिफिकल्टी हमें लिख के बताइए और क्या आपने अचीव किया ये बताइए। ईमेल आईडी है family guru@itvnetwork.com।
अब वक्त हो गया है आखिर की चार राशियों का हाल जानने का। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन, परफ्यूम लगाकर घर से निकलें। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 1:50 PM। लकी परसेंटेज 71%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, मछलियों को दाना डालें, नहीं तो क्रोस को कुछ मीठा खिलाएं। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 5:40 PM। लकी परसेंटेज 49%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियंस, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें, सॉरी मांगनी पड़ेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 3:05 PM। लकी परसेंटेज 66%। मीन राशि वाले लोग यानी कि पाइसेंस, तेज गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:10 to 10:25 AM। लकी परसेंटेज 50%। शो के आखिर में जानेंगे तीसरा महा उपाय। किराए के घर में अगर परेशानी हो रही है तो ये काम करें, एक मिट्टी की फ्रेश हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डालकर उस हांडी को दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करें। फिर उस हांडी को आगे रख के दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करें और फिर हांडी को किसी नदी तालाब के पास ले जाएं या जमीन में गाड़ दें। माँ की कृपा से किराए के मकान में परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। कल है सरप्राइजेस का दिन, कल है एंटरटेनमेंट का दिन, कल है खुशियों का दिन। ये सारे राज पे पर्दे तो कल ही खुलेंगे। कल समय से पहले आइएगा, एक भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर अफसोस होगा। कल मिलते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।